पियर थाना के द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पियर थाना क्षेत्र के पीरापुर खादी भंडार चौक पर शराब पीकर उत्पात मचा रहे पीरापुर ग्राम के निवासी रवि कुमार को पियर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पियर थाना के अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि पीरापुर के खादी भंडार चौक पर युवक शराब पीकर काफी उत्पात मचा रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पहुंची और यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नशा पान कर उत्पात मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्की बारिश के साथ ही सड़कों पर जलजमाव की खबर सामने आने लगी है। यह तस्वीर बंदरा प्रखंड क्षेत्र के मुन्नी से लोहरखा जाने के रास्ते की है। बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव उत्पन्न हो गया और इस सड़क पर चलना काफी मुश्किल भरा हो गया। बताते हैं कि सड़क जर्जर होने के कारण से यहां परेशानी हो रही थी। बरसात के दिनों में खासकर इस सड़क पर चलना मुश्किल होता है। आज हल्की बारिश के बाद इस सड़क पर चलना काफी खतरनाक साबित होने लगा। सड़क से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, कई बार गाड़ियां भी फिसलती दिखी। बंदरा प्रखंड क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था भगवान भरोसे है। घोसरामा फीडर की तस्वीर हम आपको यह दिखा रहे हैं। घोसरामा फीडर परिसर में बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष भी बनाए गए हैं और साथ में उनके आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी भले ही नहीं रह रहे हैं लेकिन यहाँ मवेशी जरूर दिख जाती है। फीडर परिसर में लोहे का विद्युत बल्ब लगा हुआ है और बैरिकेटिंग वाले खंभों एवं बिजली के खंभों में मवेशियों को बांधा गया है और कई मवेशियां ऐसे ही यहाँ पर बंधी दिख जाती है। हल्की बारिश के साथ ही जहां इलाके में ठंड भी बढ़ गया है, वहीं जलावन का संकट भी उत्पन्न हो गया है। यह तस्वीर हम गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड के पूर्वी इलाके की दिखा रहे हैं। मुन्नी बैंगरी पंचायत के सकरीमन गांव की यह तस्वीर है, जहां हल्की बारिश के बाद कई गरीब परिवार के लोगों को जलावन का संकट उत्पन्न हो गया। जलावन को सड़क पर रखकर सुखाया जा रहा है और सूखे हुए जलावन को छांटकर लोग खाना बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं और इस तरीके से ठंड बढ़ने की वजहों से कई परिवार के लोग अलाव की भी व्यवस्था करते दिखे। सड़कों पर से कूड़ों को छांटकर और जलावन को छांटकर लोग अलाव की व्यवस्था में लगे हुए थे। बंदरा प्रखंड के पटसारा पंचायत क्षेत्र की यह तस्वीर है। ग्रामीणों का बताना है कि हाल ही में इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह पीच बनने के साथ ही उखड़ने लगी। सड़क के किनारे पोखर भी है, गाड़ी चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि गिट्टी उखड़ी हुई इस सड़क पर गाड़ियों के परिचालन के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है और किनारे में पोखर होने की वजहों से जान हथेली पर रखकर लोग गाड़ियों का परिचालन करते हैं। कभी भी गाड़ी चालक हादसे के शिकार हो सकते हैं, खासकर बाइक एवं छोटे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हरे चारे का संकट के बीच अब मवेशियों को भी मिलावट के चारे का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीर हम आपको बंदरा प्रखंड के घोसरामा की दिखा रहे हैं, जहां भूसा की किल्लत है, किसानों को मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है, हरे चारे का अभाव है, दूसरी तरफ भूसा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जो भूसा मिल भी रहे हैं काफी महंगा रेट होने की वजह से पशुपालक अपने मवेशियों को भूसा खिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। भूसा की किल्लत के बीच किसानों के द्वारा झट्टा की दौनी कर उसे भूसा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और मवेशियों को खिलाया जा रहा है। क्षेत्र में खेतों की हरियाली से किसानों के मन भी हरे भरे होने लगे हैं। यह सुंदर तस्वीर किसान और उनके परिवारों की खुशी को बढ़ाता है। आपको बता दें कि आलू की खेती किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की गई है। आलू की खेतों में अब जंगलों की कमैनी भी शुरू कर दी गई है। यह तस्वीर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड के पटसारा की है, जहां महिलाओं के द्वारा आलू की खेती में कमैनी की जा रही है। सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा इलाके में सब्जी की खेती के तौर पर आलू की खेती की गई है और आलू के खेतों में अब कमैनी का दौर भी शुरू हो गया है। बाढ़ का दौर भले ही चला गया है, लेकिन बाढ़ बरसात के पानी से उत्पन्न जलजमाव से परेशानी अभी कमा नहीं है। इलाके में खेतों में जलजमाव से किसानों की तबाही तो अलग है। यह तस्वीर हम मुन्नी मैंगरी पंचायत के क्योटसा सकरी की दिखा रहे हैं, जहां हत्था ओपी के सामने की यह तस्वीर है। बस्ती के मजबूर लोगों को थर्मोकॉल वाले नाव से अभी भी परिचालन करना पड़ रहा है। थर्मोकॉल वाले जुगाड़ के नाव से लोग यहाँ इस पार से उस पार आते हैं और जरूरत के सामानों को लेकर जाते हैं। बंदरा प्रखंड के विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन काफी तेजी से किया जा रहा है।
इसकी अंतिम तिथि भी काफी नजदीक है। मध्य विद्यालय नया टोला रतवाड़ा में आज शिक्षा समिति के गठन को लेकर अभिभावकों की बैठक की गई। विद्यालय में महिला अभिभावकों की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव का चुनाव किया गया। इसके अलावा यहां कमेटी का भी गठन किया गया। विद्यालय की शिक्षिका सविता पोद्दार ने विद्यालय में शिक्षा समिति गठन की सूचना बंदरा बीआरसी कार्यालय को दी है। मतलूपुर पंचायत क्षेत्र में नलजल योजना की हालात कैसी है यह इलाके के लोग बेहतर जानते हैं। इस पाइप को देखकर नलजल योजना की खानापूर्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नलजल योजना के अंतर्गत मतलूपुर पंचायत के घोषरामा में यह पाइप लगाया गया है जो योजना के नाम पर की गई खानापूर्ति को उजागर करता है। लोगों का बताना है कि यहाँ जलापूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर नलजल योजना का पाइप भी कट फट गया है या कई जगहों पर नलजल योजना का पाइप जमीन से बाहर दिख रहा है। इलाके में अब की बार सब्जी उत्पादक किसानों के द्वारा मटर की भी अच्छी खेती की गई है। मटर की खेती से किसानों को अब की बार अच्छी आमदनी होने का उम्मीद है, लिहाजा सब्जी उत्पादक किसानों ने अन्य सब्जी फसलों के साथ ही इस बार मटर की अच्छी खेती की है। इलाके में इससे पहले मटर की खेती व्यापक तौर पर नहीं की जाती थी, लेकिन अब की बार हालात बदले हैं, सब्जी की महंगाई बढ़ी है, लिहाजा किसानों ने भी खेती के तरीके बदले हैं और अब की बार मटर की खेती व्यापक तौर पर की गई है। एक तरफ ठंड से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ युवकों का उत्साह देखिए कि पोखर में मच्छरदानी का प्रयोग करके मछली को पकड़ रहे हैं। यह तस्वीर हम आपको बंदरा प्रखंड के घोषरामा का दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में ऐसे भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम दिखती है। स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में छात्र बड़े चाव से मछली पकड़ने में मशगूल दिख रहे हैं। ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं। दूसरी ओर यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पोखर में युवकों के द्वारा मच्छरदानी से मछली को पकड़ा जा रहा है और बड़े ही बेखौफ अंदाज में युवक यहाँ मछली को पकड़ रहे हैं। बंदरा प्रखंड के रतवारा बेसिक स्कूल में भी आज अभिभावकों की बैठक की गई। बैठक में विद्यालय से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर यहाँ खास तौर से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव किया गया। विद्यालय के शिक्षक राम कुमार ने इस संबंध में बताया कि यहाँ सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ शिक्षा समिति का गठन किया गया है। पोषण क्षेत्र के महिला अभिभावकों की उपस्थिति थी, इस दौरान विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। बंदरा पीएससी में पिछले दिनों नसबंदी ऑपरेशन का कार्यक्रम चलाया गया था। इस दौरान कई तरह की गड़बड़ियों की चर्चा हुई थी। मुन्नी बैंगरी पंचायत की एक महिला पीड़िता का बताना है कि ऑपरेशन के दौरान उनके साथ नाइंसाफी की गई। ऑपरेशन से पहले उन्हें नशा की सुई नहीं दी गई तथा लगातार वे दर्द से कराहती रही और उनका ऑपरेशन कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा कुमारी, क्या चीज का ऑपरेशन करवाया? बच्चा बनने। हाँ, तो हम ऑपरेशन घर में हमको ले गया। तो ऑपरेशन घर से पहले तीन गो सुइया पड़ा, से सुइया पड़ना रह गया। आ वो चीरा भी तो हमको बूझे दुखा रहा है, तो पीछे से आके पकड़ लिए दोनों हाथ। तीन आदमी से एक आदमी से ऑपरेशन कर रहा था। चार आदमी हुआ। कुछ नहीं, हमको सुइया देवे नहीं किया है। नशा का सुइया नहीं दिया? कुछ नहीं। घर खड़कपुर घर हुआ, वार्ड नंबर 13। ममता साहब लेकर गए हैं। न सुइया दिया न कुछ दिया, उन्हीं से दर्द दर्द होते हैं। दर्द होते हैं? हाँ, खाली गोटी तीन को पत्ता धराई इसमें।